आपल्या सगळ्यांकरता ही आनंदाची गोष्ट आहे की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जे ताकदीचे लोक आहेत अशी सगळी मंडळी भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश करते. तीन पक्षाचं सरकार ज्यावेळी तयार झालं त्यावेळेस अनेक लोक प्रश्न विचारायचे की आता भारतीय जनता पक्षाची लढाई कशी होणार. आणि त्यावेळेसच मी सांगितलं होतं की तीन पक्षाचं सरकार म्हणजे भारतीय जनता पक्षाला विस्ताराची संधी आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात एक नवीन अशा प्रकारची परिस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते आहे. पण देशाचा राजकीय इतिहास ज्यांनी बघितला त्या सगळ्यांना हे माहिती आहे की ज्या ज्या वेळी भारतीय जनता पक्षाच्या विरुद्ध इतर सगळे पक्ष एक झाले त्या त्यावेळी भारतीय जनता पक्षाचा विस्तार झालाय. आणि भारतीय जनता पक्ष क्रमांक एकचा पक्ष असाच राजस्थानमध्ये झाला, असाच गुजरातमध्ये झाला, असाच मध्य प्रदेशात झाला, असाच उत्तर प्रदेशात झाला. ज्या ज्या ठिकाणी अशा प्रकारची परिस्थिती तयार होते त्या त्या ठिकाणची राजकीय स्पेस ही भारतीय जनता पक्ष व्यापून टाकतो आणि त्याचा भारतीय जनता पक्ष पुन्हा नव्याने उभा होतो. आणि म्हणून एखाद दोन वर्ष तीन वर्ष इकडे तिकडे एखादा टर्म सत्तेवर आहे नाही आहे याची भारतीय जनता पक्षाला चिंता नाही. कारण आमच्याकरता राजकारण जे आहे हे सामाजिक आर्थिक परिवर्तनाचं केंद्र आहे, स्रोत आहे, हे उपकरण आहे. आणि म्हणून सत्ता आली तर त्यातनं सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न करायचा, सत्ता नसेल तर जनतेकरता भांडायचं. आणि आज उद्या महाराष्ट्राने बघितलं ओबीसीच्या प्रश्नावर आमच्या 12 आमदारांचा बळी हा त्या ठिकाणी त्यांनी दिला तरी देखील भारतीय जनता पक्ष मागे हटला नाही. आणि आज ओबीसीचा प्रश्न इतक्या ताकदीनं भारतीय जनता पक्षाने लावून धरला. वेगवेगळे जे समाजाचे प्रश्न आहेत ते आम्ही सातत्याने लावून धरतो. आणि अशातच ही सगळी ताकद वाढवण्याच्या दृष्टीनं वेगवेगळी मंडळी ही भाजपमध्ये प्रवेश करतायत. सन्माननीय कृपाशंकर सिंग साहेबांचा प्रवेश या ठिकाणी असाच महत्वाचा आहे. कारण कृपाशंकर सिंग यांनी घेतलेला प्रवेश हा एक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश नाही आहे, एक विचारधारा सोडून दुसऱ्या विचारधारेत केलेला प्रवेश. कारण कृपाशंकर सिंग यांनी वर्षानुवर्ष काँग्रेसची विचारधारा त्या ठिकाणी त्यांच्याकडे होती आणि त्या विचारधारेने त्यांनी प्रामाणिकपणे काँग्रेसमध्ये काम केलं. परंतु ज्यावेळी हा 370 मुद्दा आला त्यावेळी त्यांची राष्ट्रीयता जागृत झाली आणि माझा देश एकसंघ होत असताना माझ्या देशामध्ये काश्मीरचं संपूर्ण अनकंडिशनल म्हणजे काश्मीर तर भारताचंच आहे पण अनकंडिशनल विलीनीकरण मोदीजी करतायत आणि कुठल्याही प्रकारचं रिस्ट्रिक्शन राहणार नाही अशा प्रकारे जो काश्मीरचा मुद्दा आहे त्याचं परमनंट सोल्युशन हे मोदीजी काढतायत आणि त्याला काँग्रेस विरोध करते आहे हे त्यांना सहन झालं नाही. आणि जेव्हा त्यांनी पत्र पाठवलं आम्हाला माहिती नव्हतं, आमच्या कुठल्या संपर्कातही ते आले नव्हते. ज्यावेळी अशा प्रकारचं पत्र त्यांनी पाठवलं त्यानंतर मला ज्यावेळेस ते पत्र पाहायला मिळालं मग मी त्यांना संपर्क केला. मी म्हटलं कृपाजी क्या आपके मन में, म्हटलं नाही मैं तो काँग्रेस में हूं लेकिन अगर काँग्रेस 370 का समर्थन नहीं करती है तो मैं यहां नहीं रह सकता, ये मैंने तय कर लिया. आणि त्यानंतर त्यांनी दुसरं पत्र पाठवलं आणि काँग्रेसचा त्याग केला. त्याग केल्यानंतर ते भारतीय जनता पक्षात आले नाही, ते 370 वर जनजागृती करत 6 महिने फिरले. आणि त्यानंतर आज जवळजवळ मला असं वाटतं काँग्रेसचा राजीनामा देऊन कृपाजी आपण कितने महिने होते, 21 महिने म्हणजे जवळजवळ 2 वर्ष झाले आज त्यांनी भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला. म्हणून मी सांगितलं काँग्रेस पक्षातनं भाजप पक्षाचा प्रवेश नाही आहे, एक विचार त्यागून हा जो राष्ट्रीयतेचा विचार आहे, राष्ट्रवादाचा विचार आहे, या विचारामध्ये हा प्रवेश त्यांनी घेतलेला आहे. म्हणून मी त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करतो, अभिनंदन करतो. थोड़ा अजीब सा जरूर लगता होगा कि जो सालों साल तक एक कांग्रेस पार्टी विचारधारा के साथ मेरी राजनीति कैरियर शुरू करी, लेकिन आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने पूरी अच्छी तरह से बता दिया है. और आज मैं भाग्यशाली हूं कि
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस का जो सप्ताह चल रहा है, आज एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ है और मेरा जो इशू था, जिस विषय को लेकर मैंने अपनी इस्तीफा दिया था, उनकी पुस्तक का प्रकाशन आज हो रहा है, ये मेरे लिए भाग्य की बात है। मैं ज्यादा उसमें जाना नहीं जाऊंगा, क्योंकि पत्रकार मित्र कल से पूछ रहे हैं हमसे, कई लोगों ने पूछा कि आपका ज्वाइनिंग, हम कहा भारतीय जनता पार्टी बताए, तो कहते आप क्यों नहीं बताते हैं, हम कहा कि कांग्रेस पार्टी में होता तो बहुत कुछ बोल जाता, लेकिन भाजपा पार्टी में जाने पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे हर एक कदम जरा सोच सोच चलना पड़ेगा। मैंने किसी अपने पत्रकार मित्र को बताया नहीं, कुछ ऐसा लिख दूं कि हो जाएगा, हमका इतना मान लो कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए उत्सुक हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेगी मुझे कब जाना है। मैंने ज्यादा दीदी आपको पता है, सबको पता है, मैं गृह राज्य मंत्री हुआ करता था और देवेंद्र फडणवीस साहब सामने से जब प्रश्न पूछे तो ऐसी बौछार होती थी, मुझे मालूम था कि मैं इनका जवाब तो नहीं दे पाऊंगा। मैं धीरे से कहता था, देवेंद्र फडणवीस साहब आप बहुत जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, मैं चैम्बर मीटिंग लगाऊंगा, आपसे बात करूंगा। मेरी बात मान जाते थे, मेरी अड़चन कभी आने नहीं देते थे। इस बार जब मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, ये सोच के नहीं छोड़ा था मैं किसी पार्टी में जाऊंगा, लेकिन राजनीतिक आदमी हूं और जब मैं कुछ समय बाद आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिला, कुछ बातें हुई, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि अगर मुझे राजनीति करनी तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करूंगा, नहीं करूंगा। दूसरे जिस दिन टेलीविजन पे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी जिस बहादुरी के साथ 370 हटाने का वो पढ़ रहे थे, किसी ने सामने से टोका 370 हटाने के बाद वहां जाना मुश्किल होगा, और उनका एक शब्द मुझे प्रेरित करता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जरूरत पड़ी तो जान दे दूंगा लेकिन कंप्लीट 370। ऐसे गृह मंत्री को और भारतीय जनता पार्टी के सभी आदरणीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी को और उन सभी लोगों में प्रणाम करता हूं, और मैं आभारी हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे स्वीकार किया। मैंने कोई मेहरबानी नहीं की है, आपके विचार मेरी विचारधारा को समझ करके, मेरी राष्ट्रीयता को समझ करके आपने मुझे स्वीकार किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मराठी में नहीं बोलता, नहीं दादा मी पूर्वी इतने मतलब भैया नहीं ये सगड़े बोलत होते, मैं एकदम बोलो कि हिंदी माझी आई मराठी माझी मौसी, आई ने मला जन्म दिला ने मौसी कडे सगळे मिळत असताना मराठी मध्ये म्हणे की आई मरू मौसी जगू पण कोणी मरू नये, आई जगली पाहिजे ने मौसी जगलीच पाहिजे। जसा कृपा शंकरला ह्या महाराष्ट्राने नोकरीमध्ये काम करत असताना किंवा आज एवढे मला वाटते जगामध्ये सर्व पक्षांचे मोठा पक्ष भारतीय जनता पार्टीचे नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी करतात, असा पक्षामध्ये कृपा शंकर प्रवेश करतात। मी एवढं सांगेल दादा, एक विश्वास आप मेरे ऊपर करिए, अगला विश्वास मैं आपका जीत करके रहूंगा, और मुझे जो भी पार्टी का आदेश होगा मैं पार्टी का आदेश के हिसाब से काम करता रहूंगा। मैं इससे ज्यादा आज और कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि कई कार्यक्रम है। मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ और हमारे पत्रकार मित्रों को कि समय समय पर सहयोग किया है मेरे राजनीतिक जीवन में, और कल से बहुत सारे हमारे पत्रकार मित्रों ने लिखा भी है, बहुत सारे उत्सुक थे कि बताओ क्या कारण था। कारण स्पष्ट था कि मैं 20 महीने 21 महीने जो भी साल गुजर थे, मैंने कभी ये नहीं कहा कि अरे मेरा कब होगा, मैं कब ज्वाइन करूंगा। मुझे मालूम था कि तुलसीदास जी ने रामायण में कुछ नहीं छोड़ा है, उन्होंने सब कुछ लिख डाला है। एक लाइन उसमें है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल पर रखिए जारी, तो धीरज जो धैर्य था मैंने कभी खोया नहीं, और इमरजेंसी में उसकी पहचान होती थी। फिर से आज के दिन एक चीज मैं और कहूं कि यहाँ उत्तर भारत के कई लोगों को सवेरे पता चला जगह कम है, कोरोना काल है, उसके नियमों का पालन करना है, आप लोग मेहरबानी करके मत आइए, बोले आप कहीं बुला रहे हो, हम जाएंगे वहां, जगह नहीं होगी हम रहेंगे। बहुत सारे लोग सवेरे से फोन जब रात को पता चला, उन सब का मैं बड़ा आभारी हूं। अभी तो ये शुरुआत है दादा, ये तो अभी झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। आपके विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा, मैं इतना ही कह सकता हूं कि आने वाले समय चाहे मुंबई महानगर पालिका हो चाहे जो भी हो, ये उत्तर भारतीय समाज अगर पूरी तरह से आपके साथ समर्थन देने के लिए खड़ा नहीं हुआ, तो मेरा आज का श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान जो दिवस मना रहा है उसका स्मरण करते हुए मैं विश्वास दिलाता हूँ उन सारे लोगों को पता चल जाएगा क्या होने वाला है और क्या होगा, इसका परिणाम आने के बाद पता चलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।
जय महाराज, जय भाजपा। सब्सक्राइब टू नेशन नेक्स्ट यूट्यूब चैनल and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.